हत्या मामले में मानस साहू को लेकर पुलिस टीम मुंबई रवाना हो गई है। मुंबई ने मानस के स्टूडियो टीम जाएगी और विजय पांडे के ठिकानों पर भी दबिश देगी। आत्महत्या मामले में विजय अब भी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आत्महत्या मामले में विजय अब भी फरार है और रायपुर में रिंकू आत्महत्या मामला एक बार फिर से उजागर हुआ, जिसमें मानस साहू को लेकर पुलिस टीम मुंबई रवाना हुई। मुंबई में मानस के स्टूडियो टीम जाएगी और विजय पांडे के ठिकानों पर दबिश देगी। आत्महत्या मामले में विजय अब भी फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, मानस साहू को लेकर पुलिस टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। मुंबई में मानस के स्टूडियो जाएगी टीम, विजय पांडे के ठिकानों पर दबिश देगी। आत्महत्या मामले में विजय अब भी फरार है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराष्ट्रता हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि आत्महत्या मामले में विजय अब भी फरार है लेकिन पुलिस की पूरी टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल पा रहा है हेमंत? हाँ, देखिए बुसरा, रिंकू आत्महत्या मामले में जो दूसरे आरोपी हैं मानस साहू, उसको 16 तारीख को कटक से हिरासत में लेकर यहाँ पर पुलिस आई थी। हालांकि लगातार पुलिस ये इस बात तैयार कर रही थी कि मानस साहू की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का यह कहना था कि मानस साहू लगातार पूछताछ में सहयोग कर रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है बुसरा, वो ये है कि मानस साहू का 164 का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है और पुलिस उसे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। जो सीडी कांड में मानस साहू से पूछताछ पहले हुई थी, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, तो उनका बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था और उस समय भी मानस साहू को सरकारी गवाह बनाया गया था। फिलहाल अगर देखा जाए मामले को लेकर पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है और जो मानस साहू है उसे करीब 3 से 4 दिन लगातार पूछताछ हुई। कई पूछताछ में उससे खुलासे हुए हैं और उसी के आधार पर अब मानस साहू को पुलिस ने मुंबई ले गया है। कल सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, कल रात को 2 बजे जो गीतांजलि एक्सप्रेस है उससे पुलिस की टीम उसे लेकर रवाना हुई है। जिस तरीके से इसमें दो आरोपी अभी भी फरार हैं, एक विजय पंड्या और दूसरा कैलाश मुरारका, क्योंकि इन दोनों का नाम प्रमुखता से मानस साहू ने अपने पूछताछ में लिया। अलावा कई और नामों का खुलासा मानस साहू ने किया था, उसको पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए जल्द बुलाएगी। लेकिन अभी मुंबई मानस साहू को ले जाया गया है। सबसे पहले जो मानस साहू का स्टूडियो है जहां पर पुलिस जो सीडी कांड की रचना है वो वहां पर रची गई थी, वहीं से ही जो पूर्व मंत्री हैं राजेश मूणत, उनको उनकी फोटो एडिट कर वहां पर जो सीडी है वो बनाई गई थी। तो स्टूडियो वहां पर जाया जाएगा, वहां कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस करेगी। इसके अलावा जो विजय पंड्या जो मुख्य आरोपी एक तरह से इस मामले का बताया जा रहा है और काफी धीरों से पुलिस को उनकी तलाश है, तो उसके भी ठिकानों पर दबिश वहां पर दी जाएगी। पुलिस को कई ऐसे जो क्लू हैं वो मिले हैं कि विजय पंड्या अभी मुंबई में अपने कई ठिकानों पर छुपा है, तो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। पुलिस पुख्ता सबूत के आधार पर वहां जा रही है, कई क्लू मिले हैं उसी के आधार पर वहां जा रही है। इसके अलावा मानस साहू से वहां पर कई तरह के और सवाल जो पुलिस की टीम है वो कर सकती है। जी हेमंत, साथी आपसे जानना चाहेंगे कितने सदस्य टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है? देखिए, सिविल लाइन पुलिस के 2 से 3 अधिकारी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो साइबर की टीम है वो भी वहां पर गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मानस का स्टूडियो है वहां पर जो साइबर के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने हिसाब से वहां पर जांच करेंगे, क्योंकि वही स्टूडियो मानस का जहां से ने जो सीडी है वो बनाई थी, पूर्व मंत्री का फोटो एडिट कर उसमें सीडी में लगाया गया था, तो वहीं से पूरी रचना रची गई थी। और वहां पर जो कैलाश मुरारका, विजय पंड्या और लवली खनुजा और रिंकू खनुजा जिनकी मौत हो गई है, उसी उन्हीं की मौत को लेकर यहां पर जांच चल रही है। सारे जो लोग हैं वहां पर मानस के स्टूडियो गए थे, वहीं पर पूरी जो सीडी कांड की जो
और एक तरह से देखा जाए तो सीडी का जो सौदा है वही मानस के स्टूडियो में हुआ था। तो मानस के स्टूडियो जाकर वहां पर जो साइबर के अधिकारी हैं वहां पर जांच करेंगे। इसके अलावा जो अन्य पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जो गए हैं वो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर विजय पंड्या की तलाश करेंगे। हेमंत, जैसा कि ठिकाने का तो मालूम हो गया है और जैसा कि टीम पूरी रवाना हो जाएगी मुंबई के लिए, कितने दिन इसमें लग सकते हैं, कितना वक्त लग सकता है, जिस तरीके से जांच चलेगी क्या कुछ प्रक्रिया रह सकती है? देखिए, कल रात ही मानस साहू को मुंबई ले जाया गया है। वहां पर को करीब आज दोपहर के बाद जो पुलिस की टीम है उन्हें लेकर मुंबई पहुंचेगी। मुंबई पहुंचने के बाद सीधे पुलिस कोई इसमें लेट लतीफी नहीं करना चाहती और सीधे मुंबई पहुंचने के बाद मानस के स्टूडियो उसको ले जाया जाएगा। वहां पर कुछ और सबूत जुटाने की कोशिश पुलिस करेगी। इसके अलावा वहीं पर मानस साहू से कुछ और पूछताछ हो सकती है, कई अहम चीजों का खुलासा वहां पर मानस साहू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर समय की बात की जाए तो 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि लगातार जो विजय पंड्या है वो पुलिस को चकमा देकर फरार लगातार होता जा रहा है। तो अब इतना आसान नहीं है विजय पंड्या को पकड़ना, लेकिन इस बार पुलिस को पुख्ता सबूत उसके खिलाफ मिले हैं कि वो कहां पर छिपा हुआ है। और पुलिस ने मीडिया में भी इस बात को लीक नहीं किया था, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कल उसको मानस साहू को लेकर मुंबई पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। बिल्कुल हेमंत, जैसा कि मानस साहू को टीम लेकर रवाना हो गई है, वहाँ कार्रवाई होगी, वहाँ जांच की जाएगी, स्टूडियो में पूरे तरीके से हर एक तथ्य को खंगाला जाएगा, लेकिन वापस मानस साहू को कब वापस क्या लेके आया जा सकता है? और दूसरी चीज, विजय अब भी फरार बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, तो विजय की फरारी को लेकर या उन्हें पकड़ने को लेकर पुलिस का क्या तर्क सामने आ रहा है? देखिए, 2 से 3 दिनों तक मुंबई में जांच की जाएगी और विजय पंड्या की तलाश की जाएगी। और अगर माना जाए तो मानस साहू को पुलिस अपने साथ लेकर आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सरकारी गवाह बनाने पूरी तो जो तैयारी है पुलिस ने कर ली है। इसीलिए 164 का जो कोर्ट में बयान है वो दर्ज पहले ही करा लिया गया था। तो पुलिस इसमें कई तरह के जो मसले हैं उसको अब खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूछताछ में पूरा सहयोग मानस साहू ने किया है, इसीलिए पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस यही कह रही है कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 16 जुलाई को हिरासत में कटक से उनको हिरासत में लेकर यहाँ लाया गया था। अब मानस साहू यहाँ पर मानस साहू को अभी मुंबई ले जाया गया, मानस साहू को वहां से फिर यहाँ पर लाया जाएगा। और अगर विजय पंड्या की गिरफ्तारी की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि कई दिनों से लगातार पुलिस उनके जो लोकेशन है वो खंगाल रही थी और पुलिस को एक लोकेशन उसका मिला है, पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अब खबर रतलाम से, जहां